हेलो आई एम राकेश एंड यू आर वाचिंग दी चैनल चलो सीखते हैं इंग्लिश। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेक फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब, सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम लोग फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब को ठीक से समझेंगे। मेन वर्ब जिसे प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है, दो प्रकार होते हैं, पहला फिनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फिनाइट वर्ब। तो पहले फिनाइट वर्ब, फिनाइट वर्ब हैज ए सब्जेक्ट एंड टेंस। फिनाइट वर्ब का एक सब्जेक्ट और टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स अ न्यूज़पेपर। यहां पर रीड्स एक फिनाइट वर्ब है, एक फिनाइट वर्ब है क्योंकि इसका एक सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट ही है और इसका टेंस प्रेजेंट है, इसका टेंस है प्रेजेंट। एग्जाम्पल टू, सी इज बेकिंग ए केक। सी इज बेकिंग ए केक, इसमें इज आपका फिनाइट वर्ब है। क्योंकि इसका सब्जेक्ट है सी और यह प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है, जबकि बेकिंग आपका नॉन फिनाइट है। इसका ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही यह किसी टेंस को बतलाता है, मतलब यह नहीं बतलाता है कि टेंस प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर है। लेकिन जब यह फिनाइट वर्ब इज के साथ मिल जाता है, अर्थात जब इज बेकिंग हो जाता है, इस तरह से, तब यह प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बनाता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बनाता है। दूसरा नॉन फिनाइट, नॉन फिनाइट का मतलब है दे आर नॉट फिनाइट, दे आर नॉट फिनाइट, दे आर नॉट फिनाइट, और दे आर नॉट प्रिंसिपल वर्ब। नॉन फिनाइट का अर्थ है कि दे आर नॉट फिनाइट, अर्थात जो कि फिनाइट नहीं है या जो कि मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब नहीं है। एग्जाम्पल वन, दे वेंट टू बाय फ्रूट्स, दे वेंट टू बाय फ्रूट्स, ये आपका नॉन फिनाइट। टू बाय नॉन फिनाइट है क्योंकि यह कोई भी टेंस नहीं बतलाता है कि टेंस प्रेजेंट है, पास्ट या फ्यूचर है, और इसका कोई सब्जेक्ट भी नहीं होता। एग्जाम्पल टू, मेरी वॉज यहां पर नॉन फिनाइट है। यहां पर कुकिंग
नॉन फिनाइट वर्ब है क्योंकि यह कोई टेंस को नहीं बतलाता है कि टेंस प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर है। हालांकि कहीं कहीं यह फिनाइट वर्ब के साथ मिल जाता है, जैसे यहाँ पर यह फिनाइट वर्ब है। तो कहीं कहीं यह फिनाइट वर्ब के साथ मिल जाता है और तब यह किसी टेंस को आइडेंटिफाई करता है। यहाँ पर यह फिनाइट वर्ब वॉच के साथ मिलकर वॉच कुकिंग बनाता है, जो कि आपका पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का एग्जांपल है। इस तरह से यहाँ पर आपका फिनाइट वर्ब मिलके एक पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस बनाता है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इस तरह से जो फिनाइट वर्ब है उसका एक सब्जेक्ट और कोई टेंस होता है, जबकि नॉन फिनाइट का ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही यह कोई टेंस बतलाता है प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर। हालांकि कहीं कहीं यह फिनाइट वर्ब के साथ मिलकर के वो किसी टेंस को आइडेंटिफाई करता रहता है।